हाय दोस्त, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं क्रिकलेस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वोमेन्स और साउथ अफ्रीका वोमेन्स के बीच में सेकेंड ओडीआई मैच खेला जाना उसके बारे में। तो इस मैच का हम लोग डीपली एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कौन सा प्लेयर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है और किसे आपको अपने टीम में लेना है और किसे ड्रॉप करना है। आज के डेट में ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रम्प प्लेयर जो है जो आपके लिए साबित हो सकता है, तो सारा कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे बहुत सारा मोटिवेशन देता है आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और आपसे ज्यादा हम कुछ उम्मीद नहीं करते हैं, बस इतना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को सीधा सीधी शुरू करते हैं, लेके चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो मोबाइल स्क्रीन आप साइड में देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स का हम प्लेइंग 11 देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे साउथ अफ्रीका वुमेन्स का। तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की तरफ से देख सकते हैं एलिसा हेली, उसके बाद लेटफील्ड जो है वो ओपनिंग करेंगे, साथ में एलिसा पेरी आएंगे, बैथ मुनी आएंगे, टी मैकराथ आएंगे, गार्डनर आएंगे, सदरलैंड आएंगे, वार्नर आएंगे, उसके बाद एक किंग आएंगे, केगर्थ आएंगे, उसके बाद स्कॉट आएंगे। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स का प्लेइंग 11। बाकी साउथ अफ्रीका वुमेन्स की तरफ से देख लेते हैं, वो अलावट को देख सकते हैं, उसके बाद ब्रिटिश आएंगे, बोस्चे आएंगे, उसके बाद लूस आएंगे, मर्जीना कैप आएंगे, टेरोन आएंगे, उसके बाद डी क्लार्क आएंगे, उसके बाद डप्टा आएंगे, क्लास आएंगे, उसके बाद खाका आएंगे और मावला आएंगे। तो ये आपका साउथ अफ्रीका वुमेन्स का प्लेइंग 11 हो सकता है। अब देख लेते हैं पिच रिपोर्ट। तो पिच रिपोर्ट में जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे 240 का फर्स्ट इनिंग का बैटिंग एवरेज स्कोर है और यहाँ टोटल 288 रन बनाए 6 विकेट पे। लोएस्ट का बात करें तो 78 रन है इस ग्राउंड में, 78 10 विकेट। टोटल ओडिया मैच यहाँ खेले गए हैं 12 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 4 बैटिंग फर्स्ट करने वाली जीती है, वहीं पे आपका 8 सेकंड बैटिंग करने वाला जीता है। तो इसको देखते हुए आप अपना टीम बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो दोनों टीमों की तरफ से जो प्लेयर्स है उनका रिसेंट का फॉर्म कैसा चल रहा है, वो चीज़ समझते हैं। तो जैसे मैं देख लीजिए आपका यहाँ पे एलिसा हेली का बात कर ले, एलिसा हेली देखिए इस जगह पे देख सकते 32 रन बना रहे हैं, उसके बाद एक जगह यहाँ पे 82 बना रहे हैं, 24 बना रहे हैं, 19 बना रहे हैं। तो इसको आप अपने टीम में ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको हर एक मैच में एवरेज पॉइंट दे के ही जाते हैं। बाकी एज फील्ड का बात कर ले तो इनका देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 119 रन बना रहे हैं, इस जगह पे देखिए 119 रन बना रहे हैं, 63 रन बना रहे हैं, 27 रन बना रहे हैं, 78 रन बना रहे हैं, 12 रन बना रहे हैं। तो इस अनुसार से देखा जाए तो लिज फील्ड आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए प्रमुख दावेदार होंगे, तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब ये देख लेते हैं एलिसा पेरी, एलिसा पेरी का क्या परफॉर्मेंस है, 50 यहाँ बना रहे हैं, 75 यहाँ बना रहे हैं, 29 इस जगह पे बना रहे हैं, बाकी दोनों मैच में 16-16 बनाए हैं, ठीक है, और एक विकेट भी निकाले हैं। तो इसके नज़र से आप इनको रख सकते हैं, इनको ड्रॉप करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर इनको ड्रॉप आपको करना है तो आप जीएल में ट्राई कर सकते हैं, बाकी स्मॉल लेग के लिए प्रिफेयर नहीं करूंगा। बैथ मुनी का बात कर ले तो बैथ मुनी का देखिए 42 रन इस जगह पे, 52 रन, ठीक है, बाकी सभी मैचों में फ्लॉप है। तो इनको आप अपने अनुसार से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, हालांकि बैट्समैन अच्छा है, ठीक है, कभी भी कुछ कर सकते हैं। आगे बात करें तो टी मैकग्राथ का बात कर ले तो इस जगह पर देखिए एक मैच नहीं खेले हैं, उसके बाद 0 पर आउट हुए हैं, फिर 24 रन बनाए इस जगह पर, 68 रन बनाए, ठीक है, और यहाँ पर भी मैच नहीं खेले हैं। तो मिला जुला करके टीम वगैरह जो है आपको बॉलिंग से पॉइंट देंगे और बैटिंग से पॉइंट देंगे, हालांकि अभी का रिसेंट फॉर्म कुछ खास चल नहीं रहा है। तो इनको आप ट्राई कीजिएगा जीएल में, ठीक है।
गार्डनर का बात कर ले तो गार्डनर यहाँ देखिए 30 रन इस जगह पे बना रहे हैं, बाकी कहीं पे भी कुछ खास बैटिंग से परफॉर्मेंस नहीं है। हालांकि बॉलिंग से एक आध विकेट मिल ही जाता है इनको, ठीक है तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी सदरलैंड का बात करें तो यहाँ पर देखिए 23 बना रहे हैं, इस जगह पे भी 23 बना रहे हैं। बाकी एक मैच इधर ने खेले, इधर भी ने, मतलब 2 मैच में खेले हैं, 23 23 का पारी खेले हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं बॉलिंग सेक्शन से। तो यहाँ पे देखिए ग्राम का 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, तो इस मैच में इनसे उम्मीदें होंगी कम से कम 2 विकेट का, ठीक है तो देख लीजिएगा। बाकी एक किंग का बात कर ले तो इनका जबरदस्त बॉलिंग चल रहा है, ठीक है तो इनको आप मिस मत कीजिएगा। उसके बाद केगर से देखिए 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, तो इनको आप मीडियम फास्ट बॉलर हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्क्वाड का बात करते हैं तो 1 2 विकेट हर एक मैच में मिल ही जाता है लगभग लगभग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साउथ अफ्रीका वुमेन्स का बात कर ले तो साउथ अफ्रीका के तरह देख लीजिए, वॉलावट जो है 126 यहाँ बना रहे हैं, 54 इस जगह पे है, 24 है, तो इसके अनुसार से आप इनको ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम से, इग्नोर मत कीजिएगा। और टी ब्रिटिश का यहाँ 50 बना रहे हैं और 118 रन बना रहे हैं, तो 151 अर्धशतक है, बाकी 3 मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। एब ऑस्ट्रेलिया का बात कर ले तो 28 रन इस जगह पे है, 65 रन इस जगह पे है, बाकी सभी मैचों में फ्लॉप रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लुस का देख लेते हैं तो यहाँ 34 बना रहे हैं, 47 बना रहे हैं, 31 बना रहे हैं, तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं। मार्जिना कैप का बात करें 50 यहाँ बना रहे हैं, 72 इस जगह पे हैं, 45 यहाँ, तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए इंपॉर्टेंट पिक होंगे, नंबर 1 पिक होंगे, तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं। आगे बात करें तो क्लार्क का देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए बॉल बैटिंग से तो कुछ नहीं है, हालांकि बॉलिंग से 4 विकेट लिए हुए हैं 5 मैचों में, 3 मैच में तो 0 0 विकेट रहा है। और जत्था का देख लीजिए, इनका भी कुछ परफॉर्मेंस नहीं है, इनको इग्नोर करके चलिएगा। टेरोन का भी कुछ खास परफॉर्मेंस अभी नहीं है, तो इनको भी मत लीजिएगा, हालांकि जीएल में आप ट्राई कर सकते हैं। मामला का देख लीजिए, यहाँ पे 1 विकेट मात्र मिला है, बाकी फ्लॉप रहे हैं। क्रास का ये भी कुछ खास नहीं परफॉर्मेंस, एक मैच में लेते हैं 1 विकेट, अगला में फ्लॉप हो जाते हैं, फिर विकेट लेते हैं, फिर फ्लॉप हो जाते हैं। खाका का भी 1 मैच में मात्र 3 विकेट है, बाकी में फ्लॉप रहे हैं, तो इसको इग्नोर करके ही चलिएगा। अब देख लेते हैं कि दोनों टीमें जब आमने सामने होती तो दोनों तरफ से कौन सा बैट्समैन और कौन सा बॉलर परफॉर्मेंस करता है, वो चीज देख लीजिए। एलिसा पेरी 132 का एवरेज रहता है, 53 का एवरेज रहता है बैथ मुनी का, टीम मैकग्रा का 18 का रहता है। बॉलिंग से एलेक्सा पेरी 9 मैच में 13 विकेट ले चुकी, के गार्थ आपका जो है 6 मैच में 10 विकेट है, जे जोनासन 7 मैच में 9 विकेट है, स्कॉट का बात कर ले तो 7 मैच में 6 विकेट है, और एक किंग का 2 मैच में 4 विकेट है, तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से कौन सा बैट्समैन और कौन सा बॉलर क्या कर रहा है। ऑल आउट का देख लीजिए, यहाँ पे 55 का एवरेज है, कैप का 54 का एवरेज है, लुस का 46 का एवरेज है। बॉलिंग सेक्शन का बात कर ले तो लुस 8 मैच में 15 विकेट ले रहे हैं, खाका 7 मैच में 8 विकेट ले रहे हैं, और मार्जिना कैप 10 मैच में 5 विकेट ले रहे हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा।